أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. The topic of my today's presentation is scholarly search engines. Scholarly search engines, वो search engines हैं जो scholars खुसूसी तौर पर MPhil, PhD वालों के लिए नहायत कारामद हैं. और जो लोग research के साथ वाबस्ता है तो ये basically educational search engines हैं. और इसमें वो चीज़ें होती हैं जो कि peer reviewed होती है और authentic sources होती है. So let's start from the very first slide. और इसमें मैं आपको ये भी बताता चाहूँ कि इसमें कौन कौन से वेबसाइट है जो आपके लिए कारामद साबित होगी. इसमें है पहला गूगल स्कॉलर. गूगल स्कॉलर वॉज क्रिएटेड एज अ टूल टू कंग्रीगेट स्कॉलरली लिटरेचर ऑन द वेब. फ्रॉम वन प्लेस स्टूडेंट्स हैव द एबिलिटी टू हंट फॉर पीयर रिव्यूड पेपर्स, थीसिस, बुक्स, एब्स्ट्रैक्ट्स एंड आर्टिकल्स फ्रॉम एकेडमिक पब्लिशर्स, प्रोफेशनल सोसाइटीज, प्री प्रिंट रिपोजिटरीज, यूनिवर्सिटी एंड अदर स्कॉलरली ऑर्गेनाइजेशन. गूगल स्कॉलर्स का मकसद क्या है कि दुनिया जहाँ में मुख्तलिफ वेबसाइटों पर जितनी रिसर्च स्कॉलरली वर्क पब्लिश हो चुकी है, चाहे वो एमेराल्ड में हो, चाहे वो साइंस डायरेक्ट में हो, चाहे वो जेस्टोर में हो, चाहे किसी भी वेबसाइट पर, और जिसकी रसाई आप तक मतलब मुश्किल हो पहुँचना, तो गूगल स्कॉलर आपको कुछ चीज़ें फुल टेक्स्ट में दे देती है, कुछ चीज़ों की एब्स्ट्रैक्ट दी जाती हैं. और ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें, बुक्स भी होते हैं अमूमन, एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं, पीयर रिव्यूड पेपर्स भी होते हैं, और जर्नल्स आर्टिकल समटाइम, तो फुल जर्नल्स भी आप पीडीएफ में, अगर एक फाइल हो पीडीएफ में तो आपको फुल जर्नल की एक्सेस भी दी जाती है. तो आज के बाद अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाए गूगल स्कॉलर को. गूगल पे मतलब डिपेंडेंसी यानी रिलाय छोड़ दे. अब गूगल में चीज़ें अथेंटिक नहीं होती, गूगल स्कॉलर का इस्तेमाल शुरू करें. सेकंड पे है गूगल बुक्स. जैसे गूगल स्कॉलर गूगल का एक प्रोडक्ट है, इसी तरह गूगल बुक्स भी है. गूगल बुक्स अलाउज वेब यूजर टू ब्राउज एंड इंडेक्स अप थाउजेंड ऑफ बुक्स फ्रॉम पॉपुलर टाइटल्स टू ओल्ड टू फाइंड पेजेस दैट इंक्लूड योर सर्च टर्म्स. वंस यू फाइंड द बुक यू आर लुकिंग फॉर, यू कैन लुक थ्रू पेजेस, फाइंड ऑनलाइन रिव्यूज एंड लर्न वेयर यू कैन गेट अ हार्ड कॉपी. गूगल बुक्स गूगल स्कॉलर की तरह है, लेकिन इस पर सिर्फ बुक्स की रसाई दी जाती है. अगर आप आज गूगल पे सर्च करें गूगल बुक्स, तो आप एक टाइटल डाल लें, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान डाल दें, तो पाकिस्तान से रिलेवेंट जितनी किताब है वो पुरानी 17वीं सदी से, 18वीं सदी से, 19वीं सदी से लेकर तमाम किताबें आपको मिल जाती है. लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि गूगल बुक्स पे कोई कॉपीराइट क्लेम आया हुआ था, तो इसकी बिना पे कुछ बुक्स से इन्होंने पेजेस अंदर स्किप किए हुए. बाहर कैफ आपको कंटेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मिल जाती है. कोई एक आध पेज मिस किया होता है, वो भी इंटेंशनली, लेकिन सम टाइम आप कंप्लीट बुक भी इसी से ढूंढ सकते हैं. और ये इमेज स्कैन होती है, तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं जब कोई टाइटल आपको पसंद आ जाता है. फिर है एजुकेशनल रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सेंटर, पॉपुलेटेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन. द एजुकेशनल रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सेंटर, इसे कहते हैं एरिक, is a great tool for academic research with more than 1.3 million bibliographical records of articles and online materials. ERIC provides access to an extensive body of education related literature, including journal articles, books, research synthesis, conference papers, technical reports, policy paper, and more. With more than 8 million searches each month, it's no wonder why this search engine is a great web source फॉर एजुकेशन. एरिक, जैसे कि इसे आप अगर गूगल पे सर्च करें ERIC या सर्च करें एजुकेशनल रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर, तो उसमें 1.3 मिलियन बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड है मुख्तलिफ आर्टिकल्स के. इसमें बुक्स भी हैं, इसमें कॉन्फ्रेंस पेपर भी है, इसमें टेक्निकल रिपोर्ट्स भी, पॉलिसी पेपर्स भी, और बहुत सारी चीज़ें. और ये हर महीने इसमें चीज़ें ऐड की जाती हैं, और ये US डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चला रही. तो आज इसको ट्राई करें, जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं या स्कॉलर्स हैं, इसी पे रिलाई करना चाहेंगे तो इसी में आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिल जाएगी. थर्ड जो है, चौथे नंबर पे, वो है रिसर्च गेट. रिसर्च गेट इज यूनिक सोशल नेटवर्किंग साइट फॉर साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स. ओवर 11 मिलियन रिसर्चर्स सबमिट देयर वर्क विच टोटल मोर देन 100 मिलियन पब्लिकेशन ऑन द साइट फॉर एनी वन टू एक्सेस. यू कैन सर्च बाय पब्लिकेशन, data and author, or you can even ask the researchers question. Though it is not a search engine,
that pulls from external sources, research gets own collections of publication, provide a hearty selections for any inquisitive scholar. अगर आप रिसर्च गेट पे जाएं और अपना अकाउंट बना दें तो आपकी जितनी चीजें जहां कहीं पब्लिश हो चुकी है तो इसकी टाइटल आथर और वॉल्यूम वगैरह डाल सकते हैं, अपना प्रोफाइल कॉपीराइट में आ जाता है अगर आप तमाम के तमाम अपलोड करें। लेकिन अगर आपने अपनी खुद ओन जनरेट की प्री प्रिंट हो कहीं पे पब्लिश नहीं किया हो तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। 100 मिलियन पब्लिकेशन इस पर मुख्तलिफ डिसिप्लिन के, और साइट की अच्छी खूबी ये है कि आपको साइटेशन भी बताते हैं कि आपका वर्क कहाँ कहाँ पे साइट हो चुका है। और इसमें एक अच्छी खूबी ये भी है कि आपकी एक जैसे फेसबुक पे आप इंटरेक्शन कर सकते हैं स्कॉलर के साथ, या लिंक्डइन पे, इसी पे रिसर्च गेट पे अगर आप अपने कनेक्शन को बढ़ाए, अपने फील्ड के लोग को ऐड करें तो आपकी इंटरेक्शन हो जाती है। बहुत अच्छा एक सोशल नेटवर्किंग रिसर्च वेबसाइट है। PubMed Central, this site is perfect for those studying anything related to healthcare or science. PubMed Central is operated by the National Center for Biotechnology Information, a division of the US National Library of Medicine. The database contains more than 3 million full-text journals articles. It's similar to PubMed Health, which is specifically for health-related research and studies, and includes citation and abstract to more than 26 million articles. PubMed Public और मेडिकल, मेडिकल से रिलेवेंट जितनी भी चीज़ें हैं आप पबमेड पे पाएंगे, खसूसी तौर पे हेल्थ केयर से या मेडिसिन से या मेडिकल साइंस से, बायोटेक्नोलॉजी से, फार्मेसी के जितने पेपर हैं। तो ये किसने बनाए? यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, जिसे कहते हैं NLM, NLM ने बनाए। और कौन इसको जो है रन कर रहे? नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। पबमेड में तमाम हेल्थ साइंसिस की बहुत सारी चीज़ें, तकरीबन 3 मिलियन फुल टेक्स्ट जर्नल आर्टिकल आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, जो कि एक अथेंटिक सोर्स है। तो हेल्थ या मेडिकल साइंसेस के लोग, या फार्मेसी के, या जूलॉजी के, या बायोलॉजी के, या प्लांट साइंसेस के, या नेचुरल साइंसेस के, जितने सॉरी मेडिकल साइंसेस, फार्मेसी और हेल्थ इशूज से जितने भी रिलेवेंट है, तमाम रिसर्च आप इसी पर आसानी से ढूंढ सकते हैं। प्लांट साइंसिस के लिए नहीं है, क्योंकि ये है PubMed Medical Sciences के लिए, सॉरी। Semantic Scholar, Semantic Scholar provide free AI-driven search and discovery tools and open resources for the global research community, and it index over 200 million academic papers sourced from the publisher partnership, data providers and web crawls. It is a search research product development team within the Allen Institute for AI, building a better way to search and discover scientific knowledge. Developed in-house with state-of-the-art models, process, and classify papers in extensive pipeline. It distributes open code and data set while publishing results of research in the areas of national language processing, machine learning, human-computer interaction, and information retrieval. Semantic Scholar, artificial intelligence drive-based search engine है, और उसमें 200 मिलियन अकेडेमिक पेपर आसानी से ढूंढा जा सकता है, और इनकी पार्टनरशिप है मुख्तलिफ पब्लिशर के साथ, और इनकी डेटा को एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने लाया जा सकते हैं। लेट सपोज अगर आप एक चीज स्टार्ट करना चाहते हैं मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, या आप ढूंढना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जहाँ जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेवेंट पेपर पब्लिश हो चुकी है, तो ये सिमेंटिक स्कॉलर में आपको एक जगह पे ये चीज़ें मिल जाएगी। आज से ट्राई करें सिमेंटिक स्कॉलर, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 200 मिलियन एकेडमिक पेपर्स, इसकी एब्स्ट्रैक्ट भी हो गई और इसकी बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस भी है, तो एक रिसर्च के लिए इंतहाई कारआमद है। और इसमें हर डिसिप्लिन के लोग अपनी फील्ड के रिलेवेंट जो ना पेपर सर्च कर सकते हैं। कोर्स मिशन इज टू एग्रीगेट ऑल ओपन एक्सेस रिसर्च आउटपुट्स from repository and journals worldwide and make them available to the public. In this way, CORE facilitates free unrestricted access to research for all. CORE jo hai na, ye bhi semantic scholar ki tarah hai, lekin ye CORE mukhtalif database se data uthate hue ek search engine, ek central search engine banaya hota hai. Isme paper, conference paper, presentation, aapke column, op-ed, sab kuch ek hi platform mein aap dhoond sakte hain. आज के बाद जो है ना, आप गूगल पे कोर डेटाबेस सर्च करें, अपने फील्ड से रिलेवेंट कोई भी चीज़ डाल दे, तो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड आपको आ जाएगा,
और आप हैरान रह जाएंगे कि मेरे फील्ड में इतने लोगों ने इतनी रिसर्च की हुई। तो मुझे उम्मीद है आज की लेक्चर आपको पसंद आई होगी, और मुझे आपसे ये भी उम्मीद है कि आप इस जैसी लेक्चर के लिए हमें अपने फीडबैक से भी आगाह करेंगे, लाइक भी करते रहेंगे, कमेंट्स भी करते रहेंगे, सब्सक्राइब भी करते रहेंगे और दूसरों के साथ शेयर भी करते रहेंगे। मज़ीद इंफॉर्मेटिव दी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।